हमारे नेता कहते हैं कि हम बोलते नहीं हैं, हमारा काम बोलता है। ये हमारे नेता का हमारा घोषणा पत्र यही है। सर निर्दलीय कौन सिंह ने कहा कि कब तक लोग मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे, विकास का काम कोई करता नहीं है और अंतिम से मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे। वो तो अपने नाम पर मांग ही रहे हैं, देख लीजिएगा उनकी हालत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। लोकसभा के चुनाव दो चरणों समाप्त हो गए हैं, लेकिन दोनों चरणों में बिहार में ये देखा गया है अब तक 9 सीटों पर बिहार में लोकसभा चुनाव समाप्त हुए, लेकिन वोटों का जो प्रतिशत है 2019 के मुकाबले में इस बार कम हुआ है। तब इसको लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनसे सवाल किया गया तो विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि नीतीश कुमार आज वर्चुअली रूप से जो पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत किए हैं, तो उसमें ये कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किए हैं कि जाइए, लोगों को ये आग्रह कीजिए कि जाकर वो वोट करें, लोगों से वोट करने के लिए अपील कीजिए कि वोटों के जो प्रतिशत है वो बढ़े। गर्मी के कारण भी जो वोटों का प्रतिशत है उसमें लगातार कमी आ रहा है। वहीं जब विजय कुमार चौधरी से पवन सिंह को लेकर सवाल किया गया कि पवन सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर आप कब तक वोट मांगते रहेंगे, विकास तो आप करते नहीं हैं, जनता के काम तो आप करते नहीं हैं, तो इसको लेकर विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पवन सिंह तो अपने नाम पर चुनाव तो लड़ रहे हैं, अब उनका हालात क्या होता है आप लोग देखेंगे ही। क्या कुछ कहना है विजय कुमार चौधरी का, सुनिए इस वीडियो में। ये देखिए ये एक ऐसी बात है, ऐसा मुद्दा है कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हो जा रहा है और ख़ास तौर से कुछ प्रदेशों में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जो सूचनाएं आ रही हैं उससे कम है। ये भी इन चीज़ों का भी संज्ञान आज के वर्चुअल बैठक में हम लोगों की पार्टी और हमारे नेता ने लिया है, और पार्टी के तरफ से और हमारे नेता मुख्यमंत्री के तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को सजगता से सभी मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में भी अपना प्रयास लगाने का अनुरोध किया है, और इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए और सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। क्या सिर्फ गर्मी एक फैक्टर है या फिर? गर्मी भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अभी तो इसका जब गहराई से विश्लेषण होगा तब पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गर्मी इतनी प्रचंड है कि इससे भी मतदाताओं को एक तरह से वो बाधित या असहज महसूस कर रहे होंगे, ये एक बात है। लेकिन अगर अन्य कोई राजनीतिक या और कोई दूसरे कारण है तो उसको भी गहराई से देखा जाए। सर एक चीज़ और है सर, घोषणा पत्र सभी दलों ने, हमारे नेता कहते हैं कि हम बोलते नहीं हैं, हमारा काम बोलता है। ये हमारे नेता का हमारा घोषणा पत्र यही है। जो हमारे नेता का कि यह उक्ति है कि हम बोलते नहीं हैं, हम प्रचार नहीं करते हैं, हमारा काम बोलता है, हमारा काम देख के लोग संतुष्ट होते हैं। सर निर्दलीय पवन सिंह ने कहा कि कब तक लोग मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे, विकास का काम कोई करता नहीं है और अंतिम से मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे। वो तो अपने नाम पर मांग ही रहे हैं, देख लीजिएगा उनकी हालत। वो मालूम ही था कि आज हम लोगों के मुख्यमंत्री जी यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तृतीय, चौथे एवं पांचवें चरण जिन क्षेत्रों में मतदान होने हैं वहाँ के पार्टी के साथियों यानी पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद आज कार्यक्रम आयोजित था, उन लोगों से बात करने। इसके पहले भी हम लोगों ने एक बार किया था, पार्टी के तरफ से आयोजित हुआ था। वो पहले एवं दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों के पार्टी के साथियों से मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया था, और आज तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं
उन क्षेत्रों के पार्टी के पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी और साथियों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी ने किया है, और ये मुख्यमंत्री जी की सोच है और रहती है कि जहाँ कहीं चुनाव के दरमियान अभियान में जो आम सभाएं होती हैं उसमें तो सीधे जनता मतदाता से बात होती है, पब्लिक से बात होती है, लेकिन पार्टी के साथियों से सीधे उसमें भी पंचायत स्तर तक के ये उस तरह का मतलब विशेष रूप से नहीं हो पाता था। इसलिए हम लोगों ने और पार्टी ने मुख्यमंत्री जी की सलाह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और पिछले बार भी ये काफ़ी सफल रहा था और इस बार तो और ज़्यादा सफल है, क्योंकि पिछले बार के अनुभव से हमारे कार्यकर्ताओं ने आपस में अनुभव साझा करके इस बार भी बहुत ठोस और प्रामाणिक सुझाव और फीडबैक दिया कंस्टिट्यूएंसी का, और मुख्यमंत्री जी ने उनको हमारी चुनावी रणनीति क्या है, हमारे चुनाव के मुद्दे क्या हैं, उन सब चीज़ों की बड़ी स्पष्टता से जानकारी दी है मुख्यमंत्री जी ने, और सब लोगों ने उसको ग्रहण किया है और सबों ने भरोसा दिलाया है कि आज से फिर से एक तो पहले से लगे हुए हैं, अब और तेज़ी से उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। एक जो सबसे संतोष की बात है कि जो कार्यकर्ताओं ने हमारे साथियों ने बताया है कि सबसे अच्छी स्थिति ये है कि कहीं भी पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियों को कोई नकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि जो जहीं है किसी पंचायत का वो निवासी हो उसी पंचायत में अनेक विकास की योजनाएं वहीं पर कोई आदमी बता सकता है जो मुख्यमंत्री की उपलब्धि है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की भी अपनी उपलब्धियां हैं, तो इन सब ये दोनों का जो एक तरह से समझिए घातक समन्वय है कि प्रधानमंत्री की उपलब्धि और हमारे मुख्यमंत्री जी की खासतौर से विकासात्मक उपलब्धियाँ जो हैं बिहार में, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई जोर नहीं है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक भी दिया है, जो अभी दो चरण के चुनाव भी जो हुए हैं उसमें सभी का मानना है कि आम मतदाताओं का रुझान जबरदस्त रूप से एनडीए के पक्ष में, और ये स्वाभाविक स्थिति बनती है कि ये कोई समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं कि आज केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का विकल्प क्या है, और उनकी जो उपलब्धियां हैं आज देश पूरी दुनिया में जो देश की शान बढ़ी है वो सब लोग मान रहे हैं, और उसी तरीके से पूरे देश में बिहार की जो खास पहचान है, जो विकास के सभी मानकों पर बिहार जो सारे प्रदेशों में ऊंचा दिखता है ये सभी मानते हैं,